ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता की हालत नाजुक, परिवार के साथ दिल्ली रवाना हुए केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता माधवी राजे सिंधिया की 2 दिन पहले ही एक सर्जरी हुई थी। राजमाता पिछले कई दिनों से एम्स में भर्ती हैं। केंद्रीय मंत्री और गुना शिवपुरी से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया की तबीयत बिगड़ गई है। उनकी हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक चुनावी कैंपेन छोड़कर सिंधिया परिवार दिल्ली एम्स पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही राजमाता की गंभीर सर्जरी हुई थी। पिछले 50 दिन से वो एम्स में भर्ती हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और उनका पूरा परिवार चुनावी कैंपेन में पिछले 1 महीने से गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में थे। इसी बीच लगातार केंद्रीय मंत्री की माता माधवी राजे सिंधिया की तबीयत में उतार चढ़ाव की सूचना आ रही थी। राजमाता माधवी राजे सिंधिया की हालत नाजुक। राजमाता माधवी राजे सिंधिया की तबीयत बिगड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली एम्स के लिए रवाना हो गए हैं। राजमाता माधवी राजे सिंधिया की परसों रात में एक बड़ी सर्जरी हुई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी 1 मई को दिल्ली रवाना हो गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना। डॉक्टरों ने रविवार यानी 5 मई को राजमाता माधवी राजे सिंधिया हेल्थ को लेकर चिंता जताते हुए गंभीर स्थिति के बारे में सूचना दी थी। डॉक्टर्स ने उनकी तबीयत बेहद ही क्रिटिकल बताया। इस स्थिति को देखकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मुंगावली की सभा कर भोपाल से दिल्ली रवाना। महाआर्यमन सिंधिया ने भी कार्यक्रम किए रद्द। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने रविवार यानी 5 मई को सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वो कई जगहों पर रविवार को जनसंपर्क करने वाले थे, लेकिन उनका सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है।